एक महान क्रांतिकारी जो केवल अपनी मिट्टी की आज़ादी के लिए जिया और उसी मिट्टी पर कुर्बान हो गया। आज स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आर्ट क्रोम यूट्यूब चैनल इस वीडियो को उन शहीद भगत सिंह जी के चरणों में समर्पित करता है, जिनके महान विचारों को जानने के बाद हर इंसान के दिल में क्रांति का एक जुनून पैदा हो जाता है। आज़ादी की चाह में दो विचारधाराएं सामने आईं, एक शांतिपूर्ण तरीके से आज़ादी की मांग तथा दूसरा दुष्ट शासन को उजाड़ फेंक कर अपनी आज़ादी अपना अधिकार मानकर छीन लेना। इनमें से भगत सिंह जी ने दूसरी विचारधारा को चुना। उनका कहना था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की ज़रूरत होती है। ऐसी महान विचारधारा के धनी भगत सिंह जी को आज मैं अपनी कला के माध्यम से एक श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि जिनकी वजह से आज हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। मैं अपनी कुछ पंक्तियां इस पर प्रस्तुत करना चाहूंगा कि दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, यह वाक्य मुझे ज़रा चुभता है। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, यह वाक्य मुझे ज़रा चुभता है। अगर यूं ही मिल जाती आज़ादी हमें तो फिर क्यों, आखिर क्यों आज़ाद और भगत के नाम से आज भी दिया जलता है, आज भी दिया जलता है। और अगर थी इतनी ही ताकत उनमें, अगर थी इतनी ही ताकत उनमें तो क्यों आज़ाद हिंद फौज का नायक, अगर थी इतनी ही ताकत उनमें तो क्यों आज़ाद हिंद फौज का नायक देश में सर पर कफन बांध कर चलता है, सर पर कफन बांध कर चलता है। ग्रंथों में कथा आती है कि मनु और सतरूपा देवी ने तप किया और तप करने के पश्चात भगवान हरि विष्णु जब प्रसन्न हुए और वर देने के लिए उनके सामने प्रकट हुए, तब सतरूपा देवी ने उनसे वरदान मांगा कि भगवान आप हमारे यहाँ अपने जैसा कोई पुत्र भेजें। भगवान ने कहा कि अब मैं अपने जैसा पुत्र कहाँ पर ढूंढूंगा, मैं ही स्वयं तुम्हारा पुत्र बनकर के आऊँगा, जो कि वे आए भी भगवान कृष्ण बनकर। उसी प्रकार कहने का तात्पर्य है सतरूपा जी तप करके आज भगवान से भगवान को मांगती हैं, सतरूपा जी तप करके आज भगवान से भगवान को मांगती हैं, मिल जाती नहीं आज़ादी यूं ही, यह धरती देवी माता हैं, पहले बलिदान मांगती हैं। और था राष्ट्र प्रेम का सागर वो, देश प्रेम का जिसमें पानी है, धन्य है वह माता पिता, धन्य तो वही जवानी है।